राम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपकी होस्ट माया मधुर। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक बहुत सेंसिटिव है। मेरे सब्सक्राइबर मुझे बार बार सजेस्ट कर रहे थे कि आप इसको रिएक्ट करें, लेकिन मैं रिएक्ट करने के बारे में थोड़ा झिझक रही थी कि चूंकि इंडिया पाकिस्तान के बारे में अगर आपको रिएक्ट करते हो तो लोग उसको एक जनरल ओपिनियन के तौर पर नहीं लेते, उसको जात पात और उसको कंट्री से लिंक करना शुरू कर देते हैं। बट मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं इस वीडियो में पूरा फेयर और न्यूट्रल किस्म का रिएक्शन दूं, अपनी आइडेंटिटी और नेशनलिज्म को साइड पे रखें। और आप लोगों से भी चाहूंगी कि आप अपनी नेशनलिज्म और अपनी कंट्री और सब कुछ को छोड़ के एक न्यूट्रल होके इस वीडियो को देखिएगा। तो जी, वीडियो का टाइटल है इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन हिस्ट्री। गेट सेट फ्लाई फैक्ट्स वालों की वीडियो, तो चलते हैं और जानते हैं। पर आप लोगों से गुजारिश करूंगी कि जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कांड सब्सक्राइब करो। इस वीडियो के बारे में जो भी आपका ओपिनियन होगा वो कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा, क्योंकि मैं जरूर जानना चाहूंगी। तो लेट्स टेक द वीडियो। 15th अगस्त 1947 लुधियाना स्टेशन पर दोपहर के वक्त लाहौर से आई हुई एक ट्रेन रुकती है और जैसे ये नजारा सिर्फ एक डब्बे का नहीं बल्कि पूरे की पूरी रेलगाड़ी का था। किसी की आते बाहर निकली हुई और ट्रेन के पीछे लिखा हुआ था नेहरू और पटेल को आजादी का तोहफा। दोस्तों, इन्हीं लाशों पर खड़ा किया जा रहा था आजाद भारत और नफरत की कोख से अभी अभी पैदा हुआ पाकिस्तान। कौन सही था और कौन गलत था ये तो इतिहास ही जानता है और उस समय के हालात पर। फ्रेंड्स, हेलो, मेरा नाम है गौरव और आज दोस्ती यारी दुनियादारी की बातें छोड़कर आज हम बात करने वाले हैं 1947 उस दौर की, जब करोड़ों लोगों का बना बनाया बसा बसाया घर उजड़ गया, वो भी रातों रात। लाखों लोगों का खून भरा और न जाने कितनी कलाइयां, मांगे और गोदे सुनी पड़ गई। दिवाली पर जले घर और होली खून से मनाई गई। दूर देश से आया एक फिरंगी खींच दी लाल लकीर, मिलते थे जहां पर कंधों से कंधे, चमक उठी शमशीर। हुआ जन्म एक नए मुल्क का, लेकिन सिक्का फिर भी अपना था। फिर मिलेंगे अपनों से, आंखों में यही सपना था। ना अपने मिले, ना लकीरें मिटी, ना फिर से सब आबाद हुआ। जब जब भरोसा किया गैरों पर, सब अपना ही बर्बाद। ये बात है आजादी के दौर की, जब 200 सालों की अंग्रेजी गुलाम के बाद भारत को आजादी मिलने वाली थी। अंग्रेजों ने भारत को छोड़ने का मन बना लिया था और लोग अब एक आजाद वतन में सांस लेने वाले थे। लेकिन 1940 में अचानक से अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो का नारा लगाने वाले लोग भारत का बंटवारा करो ऐसे नारे लगाने लगे। और ये कुछ लोग अपना ही एक अलग सा मुल्क चाहते थे और ये सारी करतूत थी मुस्लिम लीग के प्रमुख मोहम्मद अली जिन्ना की, जिसने लोगों को ये कहकर उकसाया कि हम आजादी के बाद हिंदुओं का गुलाम बनकर नहीं रहने वाले। भारत आजाद तो होगा लेकिन दो देश बनकर। और अगर ऐसा, जिन्ना के इस धमकी के बाद हिंदूस और मुस्लिम में महीने भर महीने, साल भर साल फासले बढ़ते चले गए। लोग भारतीय से हिंदू या मुसलमान हो गए। आदमी आदमी रहा ही नहीं, वैसी बन गया था सब, उधर भी और इधर भी, दोनों तरफ। और एक ऐसा वक्त भी आया जब ये कलेश इतना बढ़ गया, आम भारत के खिलाफ नारेबाजी चल रही थी। लोग एक दूसरे के घर को चलाने लगे। इसमें ना औरतों की इज्जत देखी गई, ना बच्चों की मासूमियत देखी गई, और अगर कुछ देखा जा रहा था तो बस सिर्फ ये कि वो हिंदू है या वो मुस्लिम है। ए, सच सच बता, कौन है तू, हिंदू या मुसलमान? अगर आप हिंदू हो तो मुसलमान समझ कर मार डालो, और मुसलमान हो तो हिंदू समझ कर, हिंदू समझ के मार। चारों ओर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच नफरत का मंजर फैल चुका था। हमारे तो वहाँ कई लड़कियों ने अपनी इज्जत बताने के लिए कुएं में छलांग लगा दी थी। कितने घरों को जला दिया गया, कितने मूर्त। आजादी से पहले का ये काला दिन इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज कर दिया गया। और ये सब होता देख संसद में बैठक बुलाई गई, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला। नेहरू, पटेल और गांधी अखंड भारत की जिद में थे और जिन्ना के सर पर अलग मुल्क का भूत सवार था। और ये लड़ाई फिर बढ़ती ही गई। हिंदू और मुस्लिम के बीच की दरार अब दीवार बन चुकी थी। और अब इस घटना के लगभग 10 महीने बाद, यानी कि 24 मार्च 1947 को, इस कहानी में एक नया मोड़ लेकर आए नए वाइसरॉय माउंटबेटन, जिन्होंने भारत को 1948 में आजादी देने का फैसला किया। लेकिन उसी दिन जिन्ना ने भी उनके सामने एक नए मुल्क बनाने का फरमान जारी किया। जिन्ना ने कहा, भारत आजाद तो होगा लेकिन हम हिंदुओं की गुलामी नहीं करना चाहते, और इसीलिए भारत को दो मुल्कों में बांटकर उसे आजाद किया जाए, और यही एक सही फैसला होगा। रब, ऐसे में कई महीनों तक कई बैठकें होती रही। नेहरू, गांधी और पटेल को मनाने की पूरी कोशिश चलती रही, और उसी दौरान पूरे देश में सांप्रदायिकता की आग इस तरह झुलस रही थी, जिसे देखकर सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू को ये मानना पड़ा, इस फैसले के सामने आखिरकार झुकना पड़ा। पर गांधी जी झुकने वालों में से नहीं थे। उन्होंने कहा कि बंटवारा अगर होगा
तो मेरी लाश पर से। और अब हर कोई कंफ्यूजन में पड़ गया कि अब करे तो करे क्या। एक तरफ एक पूरा देश नफरत की आग में जल रहा था और दूसरे तरफ देश के राष्ट्रपिता गांधी जी अपनी जान देकर बंटवारा रोकना चाहते थे। और ऐसे सिचुएशन में ये फैसला ले लिया गया कि आजादी के साथ साथ भारत के दो टुकड़े कर दिए जाएंगे। लेकिन उस वक्त जो आजादी का समय 1948 से खिसकाकर पूरे 11 महीने पहले यानी कि अगस्त 1947 में प्रीपोन कर दिया गया, जिस फैसले को माउंटबेटन ने कुछ इस तरह पेश किया कि वो भारत को जल्द से जल्द आजाद कर रहे हैं, जिसे सुनकर मुस्लिम लीग को ये लगा कि माउंटबेटन उन्हें जल्दी से जल्दी एक नया मुल्क दे रहे हैं। और अब फ्रेंड्स, माउंटबेटन तो ठहरे बिछोलिया, दोनों इंडिया और पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे में तो उन्हें जाना ही था, और इसीलिए 14 अगस्त को पाकिस्तान में और 15 अगस्त को इंडिया में वो पेश हुए। पर अब भी एक चीज बाकी थी और वो थी लकीर। दोनों देशों को आजादी तो मिल चुकी थी पर बंटवारा नहीं हुआ था, और अब तक लोग सरकार के इस फैसले से खुश तो थे पर ये अब तक तय नहीं हो पाया था कि दोनों देशों में ये बंटवारे की लकीर आखिर खींचेगा कौन, और भाईचारे और अब तक एक ही परिवार के हिस्से देश को अलग किस आधार पर किया जाएगा। लेकिन माउंटबेटन जी के पास इन दिल को छलनी कर देने वाले सवालों का बड़ा ही आसान सा हल था, और वो था एक अंग्रेजी वकील जिसे यहाँ के लोगों की भावनाएं, संस्कृति, समाज, इतिहास और यहाँ तक की भूगोल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसने सीधा भारत का नक्शा उठाया और बिना कुछ सोचे समझे दो लाल लकीर खींच दी और ये ऐलान कर दिया कि सुनो सुनो सुनो, अब भारत आजाद होने वाला है। और अब इसके तीन टुकड़े कर दिए गए हैं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, क्योंकि अभी बांग्लादेश है और जिसे जो मुल्क में जाना है वो जा सकता है। पर संसद में तो नया नक्शा पेश ही नहीं किया गया था, लोग जानते ही नहीं थे कि बॉर्डर कहां है, कहां देश खत्म होता है और कहां से नया देश शुरू होता है। उन्हें सिर्फ ये बताया गया था कि नए भारत की राजधानी दिल्ली है और पाकिस्तान की राजधानी कराची है, और बस इसी अंदाजे से लोग अपने अपने मुल्क की ओर बढ़ने लगे। और इसी दौरान सिर्फ बॉर्डर लाइन पता ना होने की वजह से लोगों के बीच कई लड़ाइयां छिड़ी। कोई कहता ये पाकिस्तान की जगह है तो कोई कहता ये भारत की जगह है। तो उस गाड़ी में काफी बड़ी मात्रा में जो है लोगों को हत्या करके वहाँ उसमें डाला गया था। किसी की बाजू नहीं है, किसी का सिर नहीं है, लोगों मृत हिंदुओं से भरा हुआ था, माताओं बहनों से नगन शरीर थे, माताओं बहनों के भी, वो भी उसी में पड़े हुए थे। और इन्हीं लड़ाइयों के चलते 1,40,00,000 लोग बेघर हो गए रातों रात। इतना कराची में सुबह के वक्त पाकिस्तान का फर्स्ट स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और उसके ठीक अगले दिन भारत में भी 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस डे मनाया गया, जहां चेहरे तो हर किसी के हंस रहे थे मगर दिल अंदर से छलनी हो चुका था। लोगों का आजाद और खुशहाल भारत का सपना एक मायूस आजादी में बदल गया था। और फिर आया इन सारी चीजों में आजादी का एक और एक नया मोड़। आजादी के दिन यानी कि 15 अगस्त 1947 की दोपहर में लाहौर से लुधियाना स्टेशन पर एक रेलगाड़ी है। गाड़ी के पीछे ये लिखा था, नेहरू और पटेल को आजादी का तोहफा। और इसे देखते ही एक बार फिर से हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में घमासान जंगे शुरू हो गई। पूरे दो दिन बीत चुके थे लेकिन लड़ाइयां रुकने का नाम भी नहीं ले रही थी, जो देख के माउंटबेटन ने इन दोनों घायल देशों को एक और एक झटका दिया, और वो था बंटवारे वाला नया नक्शा। ये दिन आजादी का तीसरा दिन था यानी कि 17 अगस्त 1947, जब इस नक्शे को इन दोनों देशों के नेताओं के सामने माउंटबेटन ने पेश किया और इसे देखकर मानो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि इस नए नक्शे के मुताबिक 50,00,000 से भी ज्यादा हिंदू पाकिस्तान में और 50,00,000 से ज्यादा मुस्लिम्स हिंदुस्तान में रह गए थे। और अब इस नए नक्शे को देखने के बाद दोनों देशों के लीडर्स का खून खौलने लगा और अब सभी ने मिलकर रेडक्लिफ, जिसने वो मैप पर लकीर खींची थी, उस पर बहुत सारी खरी खोटी बातें करना शुरू कर दी। और इसके बाद साइरिल रेडक्लिफ को इस बात का बहुत बुरा लगा और उन्होंने इस बंटवारे के पैसे लेने से इनकार कर दिया। और फिर इस बंटवारे के बाद दोनों देशों के सरहदों पर लोहों की बाड़ लगा दी गई, जिसके बाद पाकिस्तान में सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि हिंदू जनता भी आ चुकी थी। पर अब शांति बनाए रखने के लिए जिन्ना ने यह ऐलान किया कि वहां के अल्पसंख्यक हिंदू अपने मजहब को बिना किसी दबाव के मान सकते थे, और अब इस सबसे शांति का माहौल टेम्परली तो बन गया था, लेकिन अब बंटवारा होने वाला था चीजों का। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा दो भाइयों के बंटवारों से कम नहीं था, जहां पर सरकारी दफ्तरों की कुर्सी के टेबल से लेकर लाइब्रेरी में रखे गए इंसाइक्लोपीडिया की किताबें सभी कुछ आधी बांट ली गई थी। जहां पर सबसे पहली बात आई राजशाही बोगियों की, जिनकी संख्या टोटल में 12 थी, जिसमें से 6 सोने की थी। और अब ऐसे में दोनों देशों में सोने की बोगियों के लिए बहस छिड़ गई और इसे सुलझाने के लिए टॉस किया गया और फैसला हिंदुस्तान के हिस्से में आ गया, जिससे सोने की बोगियां
इसके अलावा हिंदुस्तान को 1/3 आर्मी सेना का हिस्सा, 5 मेट्रोपॉलिटन शहर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, कराची और लाहौर में से 2 शहर कराची और लाहौर, और रेलवे लाइन का 40% हिस्सा पाकिस्तान के नाम पर करना पड़ा। और साथ ही साथ भारत के बजट कोष में से पाकिस्तान को 75 करोड़ रुपए देने की भी बात की गई, ताकि वो अपने नए नवेले देश में जरूरी विकास कर सके। लेकिन अब तत्काल में भारत ने 75 करोड़ में से सिर्फ 20 करोड़ रुपीज ही दिए और बाकी के 55 करोड़ देने से मना कर दिया, क्योंकि ऑफकोर्स इतनी मार काट, इतने विध्वंस के बाद भारत में बेघर, बेसहारा और लाचार लोगों की संख्या बहुत बढ़ चुकी थी, जिनके लिए उन्हें जल्द से जल्द एक नया स्थायी ठिकाना, खाने पीने और इलाज की व्यवस्था बहुत जल्दी करनी थी। और इन सब मरम्मतों के लिए भारत के मुद्रा कोष में बचे पैसे इनफ नहीं थे, और इसीलिए ये फैसला किया गया कि पाकिस्तान को बचे गए 55 करोड़ रुपीज नहीं दिए जाएंगे। लेकिन ये बात गांधी जी को नागवारा हुई और वो अनशन पे बैठ गए और वो अपने जिद पे अड़े रह गए कि उन्हें पैसे दो, और जिसकी वजह से हमें 55 करोड़ रुपीस पाकिस्तान को देने ही पड़े। और उसके बाद बात आई राष्ट्रीय झंडे की, जिसके लिए माउंटबेटन ने एक चाल चली। हिंदुस्तान के लिए स्वराज का तिरंगा और पाकिस्तान के लिए मुस्लिम लीग का झंडा, और दोनों के एक कोने पर ब्रिटिश झंडे की फोटो लगा दी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ जिन्ना ने इसे ना कहकर इनकार कर दिया कि वो इस्लामिक झंडे में क्रिश्चियन क्रूस को नहीं छपवा सकते, और वहीं पर नेहरू जी ने भी एक नया झंडा बनाकर माउंटबेटन को भेज दिया, जिसमें चरखा की जगह पर अशोका चक्र था। लेकिन अब इन सब के चलते अब फिर एक और एक नई मुसीबत आ खड़ी कर दी थी भारत के रजवाड़ों ने। सबसे पहले जूनागढ़ के नवाब महावत खान ने बिना किसी को बताए उन्होंने जूनागढ़ को पाकिस्तान के नाम कर दिया, और यह खबर लोगों को और सरकार को अगले दिन अखबार पढ़कर हुई, और इसे देखकर जूनागढ़ के लोगों का गुस्सा फूट फूट कर बाहर आने लगा, क्योंकि वहां की 90% जनता तो हिंदू थी, तो अब करे तो करे क्या। और तब पटेल और नेहरू जी ने मिलकर यह फैसला किया कि ऐसे में नवाब को आड़े हाथों लेकर जनता चुनाव करवाया जाए, ताकि फाइनल फैसला लिया जा सके। और वोटिंग का रिजल्ट आप सबको तो पता ही होगा, ऑब्वियसली जनता के हित में आया, और सिर्फ उस नवाब को जूनागढ़ छोड़कर पाकिस्तान जाना पड़ा। एंड जूनागढ़, वेल, वो इंडिया में ही विलय हो गया। पर अब दूसरी तरफ पाकिस्तान कश्मीर के राजा हरि सिंह पर कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने का दबाव बनने लगा, और क्योंकि कश्मीर की जनता ज्यादातर मुस्लिम थी तो ये दबाव और भी ज्यादा होने लगा, और उसके बाद हरि सिंह को भारत का सहारा लेना पड़ा। और ऐसे में भारत ने हरि सिंह की मदद तो की, पर बदले में कश्मीर में अपना सैन्य अधिकार रखने की समझौता करवा ली, जिसके अंतर्गत कश्मीर के नियम कानून और सरकार तो खुद की होगी, लेकिन जब जब देश में राष्ट्रपति शासन लगेगा तब तक कश्मीर को भी भारत के सभी नियमों का पालन करना पड़ेगा। और अब हालांकि धारा 370 हट चुकी है और कश्मीर पूरी तरीके से भारत का हिस्सा हो चुका है, पर उस वक्त से लेकर आज तक हालात बहुत गुजरे, बहुत कुछ बदला। दोनों देशों की टेक्नोलॉजी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और शिक्षा व्यवस्था को देखकर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो। वेल, मेरे ख्याल से मैं देख रही थी, सोच रही थी कि ना जो छह बोगियां थी तो दो पाकिस्तान को दे देनी चाहिए थी, दो टॉस करने की क्या जरूरत है। लेकिन वेल, जो भी उन्होंने किया उस हिसाब से ठीक किया। और जहां तक नेहरू गांधी जी की बात है तो मेरे दिल में उनकी इज्जत इस बात से और बढ़ी कि वो ईमानदार इंसान थे, और उन्होंने कहा कि जब हमने डील की है कि हमें 75 करोड़ देना चाहिए तो हमें देना चाहिए, तो उन्होंने वो पैसे दिए, वो उनका बहुत शुक्रिया। और जहां तक बात है जैसे उन्होंने पूना जोना नगर के बारे में बात की कि वहां के जो महाराजा थे वो मुस्लिम थे और उन्होंने पाकिस्तान को लिख के दिया, यानी कि उनको ऐसा एक्ट नहीं करना चाहिए था। एज अ लीडर उनका हक बनता था कि वो अपनी रियाया के बारे में सोचे कि उनका क्या ओपिनियन है। और जैसे कि वहां उन्होंने पटेल साहब ने और नेहरू जी ने अकलमंदी का मुजाहरा किया और वहां इलेक्शन करवा के उनको वहां से कहा कि चले आप चलते जाएं और वो पाकिस्तान आ गए, ठीक है, तो वो एक उनका वाइज एक्ट था। और इसी तरह कश्मीर का, जब वो वहां मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा थी और वो पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर आता था तो वहां के महाराजा को भी ऐसा नहीं करना चाहिए था, और पाकिस्तान को भी वाइजली जिस तरह इंडिया ने किया था उस तरह उनको अकलमंदी का मुजाहरा करने की जरूरत थी, लेकिन पाकिस्तान से उस वक्त उस तरह मैनेज नहीं हुआ। और जहां तक इंडिया की बात है तो अकलमंदी का मुजाहरा उन्होंने किया कि उन्हें क्या जरूरत थी दूसरों की लड़ाई में बीच में आते, और अगर वो आ रहे थे तो डेफिनेटली उनको भी बदले में कुछ चाहिए था, तो उन्होंने अपनी वहां आर्मी को यानी कि भेजा, और उसके अलावा उन्होंने इख्तियार दिए कि हुकूमत बेशक आपकी रहेगी लेकिन एक आर्मी हम अपनी यहाँ नाफिज करेंगे, तो उन्होंने उस हिसाब से किया। लेकिन असली तौर पर देखा जाए तो ये उन्होंने गलत किया वहां के महाराजा ने कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बाकी ये कि ये कश्मीर का और ये इंडिया पाकिस्तान का मसला, ये तो शायद पता नहीं कभी भी खत्म नहीं होगा और ये इस तरह ही लड़ते रहेंगे। और अगर बात की जाए पार्टीशन की तो मैं हैरान होती हूँ कि दुनिया में इतने ज्यादा मुल्क हैं और वहां हिंदू, मुस्लिम, ईसाई
और पता नहीं कौन कौन सी रंगों नस्ल के लोग हैं वो इकट्ठे रहते हैं वहां, कोई लड़ाई नहीं होती है। इतने सालों से ये लोग इकट्ठे रहते हैं। 1947 में ऐसा क्या हुआ था कि ये लोग एक कौम से एक नजरियात और एक इसमें डिवाइड होकर लड़ना शुरू कर दिया, और जिस तरह के इन्होंने एक दूसरे को मारा काटा, हिंदुओं ने मुसलमानों को और मुसलमानों ने हिंदुओं को, ये एक गैर इंसानी हरकत थी। और मेरे ख्याल से ऐसे लोग, मतलब आप ठीक है आप इकट्ठे नहीं रहना चाहते, आप अलग होना चाहते हैं, लेकिन आपको इस तरह औरतों को के साथ ज्यादती करना, बच्चों के साथ उनको जुल्म करना, ये किस किस्म की मतलब हरकत है? और इसको मतलब आप क्या आप इसको तस्कीन हासिल करते हैं? आप अमलाक को जुला के, इवन कि अभी भी आप देखें अगर जरा सा प्रोटेस्ट होता है तो लोग दरख्तों को सरकारी अमलाक को जुलाना शुरू कर देते हैं, और पता नहीं किस किस्म की उनकी वो एक मेंटल सेटिस्फेक्शन उनको मिल रही होती है, जबकि अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में उनको इसका नुकसान होता है, क्योंकि गवर्नमेंट को दोबारा से वो अमलाक दोबारा से बनाने की जरूरत पड़ती है और उस पर गवर्नमेंट का पैसा लगता है, और वो गवर्नमेंट का पैसा जो होता है वो अर्श से नहीं उतरा होता, वो हमसे टैक्स करके और ये जो तजारत वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करती है, एक्सपोर्ट के जरिए वो लोग कमाते हैं, और फिर उस पर जो हमारी वेलफेयर हमारी डेवलपमेंट में इस्तेमाल होता है पैसा, वो उस दोबारा को रीबिल्ड करने में पैसा लग जाता है। तो ये बेवकूफी वाली बात है। आप बात को बात तक रखें, अपना मुद्दा रखें और उसको वहां तक चलाने की कोशिश करें, लेकिन वही बात है ह्यूमन साइकी है कि इंसान बहुत ज्यादा वायलेंस मतलब जिस तरह का होता है ना उसका शिकार हो जाता है, और वो इस तरह की हरकतें करना शुरू करता है, जो कि ये गलत है। बाकी ये कि पता नहीं कौन इसके पीछे मास्टर माइंड था और जो इसने ये सारा फसाद करवाया और इस पूरे मुल्क को एक खित्ते को डिवाइड करवा दिया, तीन मुल्क बना दिया इसका, तो उन्होंने देखा जाए तो जुल्म किया, इतना ज्यादा खून बहाया, इतने नाहक लोगों को मारा गया, चाहे हिंदू का मरा चाहे मुसलमान का मरा, मरा तो इंसान ही था ना, और इतना ज्यादा खून बहाया गया। मतलब मैंने अपनी दादी से सुना है कि अब तो वह लाइव नहीं है, अगर होती तो मैं जरूर आपकी उनको भी यानी के बीच में उनका ओपिनियन भी मैं शेयर करती। वो कहती है कि लोग एक ही दिन डरते थे और वो इकट्ठे रहते थे एक घर के अंदर, एक ही घराने रहते थे, ताकि उनको डर होता था कि कोई हिंदू आके मार ना दे, कोई सिख आके मार ना दे, और मुसलमानों और हिंदुओं को ऐसे ही लगता था कि कोई मुसलमान आके ना मार दे, लोग इस तरह डरते थे। और जहां तक इनके इतनी ज्यादा अमलाक का नुकसान हुआ, और इनके मतलब मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो वहां इंडिया के अंदर पता नहीं कितनी ज्यादा उनकी जमीन जो थी वो पुलिस में थे, जबकि यहाँ आके वो एक वकील के मुंशी का काम उन्होंने किया, और मतलब इस तरह लोगों को नुकसान हुआ, और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 55,000 रुपए का क्लेम बकौल मेरी दादी के हमें हमें मिला, हमारे दादा और उनके भाई को, और यानी कि इतना नुकसान, जबकि हमें वो उनके बकौल हमें ज्यादा मिलना चाहिए था, लेकिन हमें ज्यादा नहीं मिला। और इस तरह लोगों ने, ये तो मैं अपने घर की मिसाल बता रही हूँ, और जैसे कि उन्होंने बताया कि पता नहीं हमारे घर में एक जो पिछला वाला कमरा था उसके अंदर एक अलमारी निकली थी, उसमें सोने और चांदी की ईंटें, और हमारा जो घर है वो सिखों का था, तो इसका मतलब ये कि वो जो बेचारे सिख थे ना वो दबा के गए थे, ताकि वो जब दोबारा वापस आएंगे तो वो अपना वो निकाल लेंगे। और इवन अभी कोई 2-3 साल पहले जो वो सिख थे ना वो हमारे घर हमारा घर देखने भी आए थे। अब पता नहीं इस बात में कितनी सदाकत है कि वो सोने चांदी मिला था कि नहीं मिला था, या पता नहीं, मैंने तो वो संदूक भी खैर नहीं देखी कभी, खाली संदूक भी नहीं देखी, लेकिन ये कि इस तरह की बहुत सी स्टोरीज हमने सुनी है। बाकी ये कि नुकसान बहुत हुआ, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, और तारीख में जब भी इसके बारे में मैं सोचती हूँ तो मैं इस बात का शुक्र अदा करती हूँ कि शुक्र है कि मैं उस दौर में नहीं थी, वरना पता नहीं हमें भी कोई काट मार देता, हम भी मर जाते। तो इस तरह ये बहुत ज्यादा बुरा हुआ, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए था, और ये तारीख का तल्ख एक एक वर्क है, और जब भी इसको दोहराया जाता, जब भी इसको याद किया जाता, तकलीफ और वो दोबारा से वो जो तासरात होते हैं वो आ जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपने इस वीडियो को एंड तक देखा, और मेरे वीडियो को का जो रिएक्शन है वो बिल्कुल आपने न्यूट्रल होकर, मैंने बिल्कुल रैशनल होके अपना रिएक्शन को देने की कोशिश की है, बजाय इसके कि अपनी नेशनलिज्म और अपनी आइडेंटिटी से हटके। बाकी ये कि आप लोगों की जो भी राय होगी मेरे रिएक्शन के बारे में वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना हो सके अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।